ये कुछ दिन पहले की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक सुहाने सफर के लिए निकले थे, जिस सफर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। एंड सच बताऊं तो मेरे लिए एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जहां पे पहाड़ों के बीच से गुजर कर गाइस हम एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जो बिल्कुल जन्नत की तरह है। एंड उसके बाद जो सुकून मिलता है, उफ यार, एकदम देखने लायक था। एंड अभी आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ एक जगह पे, क्योंकि अभी जो आने वाले 15 मिनट है वो आप लोगों को एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देगा इस सफर में, जो आप सभी लोगों को एक जन्नत का फील देगा। अब क्या सब कुछ इधर ही बता दो, वीडियो को तो आगे देखो। सो है गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। एंड आज आप लोगों को गाइस मैं एक बहुत ही मस्त सा जगह पे लेके जाने वाला हूँ। लिटरली गाइस वो जगह देख के आप लोग फैन हो जाओगे, ठीक है। हमारे पास में ही है, लाइक हमसे गाइस 90 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मेरा स्कूटी भी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मतलब गाइस मैं स्कूटी से ही जाने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त भी है, उसको पिकअप करेंगे। एंड पिकअप नहीं, सॉरी, उसको लेके चलेंगे, ठीक है, साथ में, क्योंकि अकेले मतलब इतना दूर मैं नहीं जा सकता, तो इसीलिए साथ में एक दोस्त भी ले रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है उधर, ठीक है, एंड माउंटेन्स वगैरह, भाई बहुत खतरनाक जगह है, मस्त जगह है, आप लोग देख के फैन हो जाने वाले हो। बिलीव मी गाइस, ये जगह वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है आसाम का, जिसे देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन मतलब बहुत ही ओपी होने वाला है। आप लोग मेरे को बोलोगे भाई और भी मतलब ऐसे जगह देखा हो आसाम का, ठीक है। एंड ये जगह गाइस अंडररेटेड है, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, ये बहुत कम बंदे ही जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मतलब गाइस मस्त जगह है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, मेरे साथ इस सफर में बने रहो। चार घंटे का सफर था। एंड इस सफर में गाइस हम लोगों को यहाँ पे एक वाटरफॉल भी नज़र आता है, जो कि छोटा सा ही वाटरफॉल है, लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ों से पानी गिर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे मुंह हाथ धो लिया जाए। क्लाउड को टच कर रहा पहाड़, देख रहे हो, वो देखो एकदम टच कर रहा पहाड़ को।
आई डोंट नो दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, बट इधर से मैं देख सकता हूँ कि पूरा टच कर रहा है क्लाउड मतलब टच हो जा रहा भाई। बहुत ऊंचा जगह पे आ गए हम लोग, बहुत ऊंचा जगह। देखो इधर से देखो भाई, हमसे नीचे पहाड़ है मतलब, समझ रहे हो? तो इधर देखो, इधर ये पहाड़ के एकदम मतलब आसपास आ गए, एंड उसके बाद नीचे भी बहुत सारे पहाड़ है। तो इमेजिन कर लो भाई कि हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं, बहुत ऊपर आ गए। और ये टर्निंग तो मेरी जान ले लेगा भाई, मेरे को लग रहा है ये टर्निंग आज मेरे को सोने नहीं है। यही तो जल्दी देखने के लिए सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पे। एंड अभी गाइस मैं जो दिखाने वाला आप लोगों को, जो नज़ारा ना, जिसके लिए हम लोगों ने 4 घंटे लग गए घर से इधर आने के लिए, ठीक है? तो भाई वेट एंड वॉच गाइस, ये देखो क्या ही नज़ारा है, ये देखो भाई क्या लग रहा है। देखो गाइस मतलब क्या ओपी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है ये, मतलब देखने में, हाइट से देखने में अलग ही टाइप का फीलिंग आ रहा है। इधर देखो गाइस, जस्ट देखो भाई, मतलब क्या ही लग रहा है। इधर हेलीपैड है, ठीक है? एंड इधर हाउसेस वगैरह भी है, आई थिंक सो गेस्ट हाउस वगैरह है वो। एंड इधर नाव भी चलता है ना भैया? हाँ नाव भी चलता है। एंड मेरे को एक भैया भी मिले इधर, आपका नाम? अच्छा, हम लोग काले काले आदमी, ब्राइट ब्राइट दिखेगा ना, ऐसा आदमी है। तो हमारा नाम माइना नोकसारी है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भैया को, ठीक है? थैंक यू। और इसका भी चैनल है, स्वयं ब्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब स्वयं ब्लॉग्स। ओके ओके, थैंक यू यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये व्यू देखो भाई क्या नजारा है, मतलब कैसा लग रहा है गाइस, व्यू बताओ। इसके लिए भाई पता है हम लोगों ने कितने दिन से प्लान कर रहे थे, फाइनली आज आ पाए मतलब इस जगह पे, ठीक है? एंड मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि गाइस ये जो प्लेस है ना भाई, मतलब अलग ही टाइप का सुकून देता है। अगर आप आते हो मतलब, अगर आप असम में हो, अगर आप इधर, मतलब क्या बोलते हैं, मैं बता देता हूँ ये जगह एक्चुअली में है कहाँ पे, ठीक है? तो गाइस ये जो जगह है, ये दोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है? एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है मतलब लाइक असम में, लाइक देख सकते हैं आप लोग। एंड मतलब अगर आप आते हो, ठीक है, अगर आप इधर हमारे साइड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे यार, पास पड़ेगा, ठीक है? तो सीन क्या है कि अगर आप गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हो तो ये नागालैंड में है एक्चुअली, ठीक है? उखा की तरफ है ये दोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अगर आप गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो आप लोगों को मेरा पानी तरफ से आना पड़ेगा। एंड उसके बाद थोड़ा मतलब टेढ़ा मेरा रास्ता है, बहुत भाई बहुत टर्निंग है रास्ते में, लाइक आप लोगों को आने के लिए 3 घंटे तो रास्ते में लग जाएगा, ठीक है? हम लोग स्कूटी से आए, मैं स्कूटी से आया और मेरे दोस्त वगैरह बाइक से आए थे, तो इसी वजह से ऐसा सीन हो गया। एंड भाई इतना ज़्यादा धूप है ना अभी, पता नहीं मेरा कैसा आ रहा होगा आँख वगैरह। तो इधर देखो भाई कितना ज़्यादा धूप है, एंड आज संडे है तो इसीलिए सारा कुछ क्लोज है, ठीक है? सब कुछ बंद है मतलब संडे को, इधर गेस्ट हाउस वगैरह होता ही है बट आज संडे को बंद है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एंड उस तरफ ही भी देखो बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह है, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ गाइस, चलो। मतलब भाई कसम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि ये जगह मेरे लिए मतलब मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस जगह पे आना है, एंड फाइनली आज पहुँच चुका हूँ इस जगह पे। एंड देखो भाई यहाँ पे पूरा पहाड़ी है, ठीक है? पूरा पहाड़ी है एंड बहुत ओपी लग रहा है। एंड मैं वो भी दिखाई दिया आप लोगों को, ठीक है? हम लोग नीचे भी जाने वाले हैं, अभी नीचे भी दिखाने वाला हूँ कि नीचे भी क्या क्या प्लेस वगैरह है मतलब, ठीक है? बहुत सारे, ये देखो गाइस क्या ऑसम जगह है भाई, एकदम ओपी लग रहा, देखो बहुत ओपी लग रहा। और भैया चलते हैं, बाय, मिलेंगे। हाँ थैंक यू, ठीक है ठीक है, भैया को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। तो गाइस हम लोगों को एक बंदा मिल गया था इधर, मतलब बहुत अच्छा था, ठीक है? बस तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, व्यू देखो यार, व्यू देखो भाई, ये देखो व्यू, व्यू देखो भाई, बहुत ओपी है। मैं तो भाई मतलब क्या ही दिखाऊं आप लोगों को, और मतलब मैं दिखा के थक गया हूँ, लाइक इतना ज़्यादा मस्त है ना, मेरे को मतलब अभी उस टाइप का फीलिंग आ रहा है कि इधर से जाने का ही फीलिंग नहीं आ रहा, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि आज इधर ही जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आज संडे है तो संडे को सब कुछ बंद रहता है। एंड अभी हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा आज ही, ठीक है? तो 1 घंटे जैसे हम इधर रुकने वाले, और एंड उसके बाद गाइस लिटरली आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो भाई मैं इधर चढ़ जाता हूँ, एंड देखो भाई व्यू देखो गाइस, देख रहे हो यार, मतलब
कसम से आज बहुत ज्यादा मेरे को ओपी लग रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ना भाई अलग ही सुकून देता है गाइस, कसम से बहुत ज्यादा सुकून दे रहा है मेरे को। ठीक है आप ये देखो भाई, ये जो जगह है गाइस किस टाइप का जगह है देखो भाई, देखो क्या ही ओपी लग रहा, बहुत ओपी लग रहा है। देखो गाइस ये सब देखो, ये सब देखो बात, वो जो देख रहे हो ना गाइस, मैं दिखाता हूँ रुको, वो जो देख रहे हो वो चीज़, हाँ वो जो चीज़ है ना उधर मछली पालते हैं एंड उसके बाद ये सब वगैरह गेस्ट हाउस वगैरह है साइड से। तो मैं आप लोगों को अभी नीचे जाके भी दिखाता हूँ, ठीक है, नीचे भी बहुत सारे जगह है, बहुत ओपी ओपी जगह है। एंड इधर हम लोग थोड़े बहुत अभी फ़ोटोशूट भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। भाई ये आज इतना ज़्यादा धूप क्यों है इधर, पता नहीं हम ऊपर आ गए ना इसीलिए, देखो बहुत गंदा धूप दे रहा है, हाँ बहुत पास आ गया ऐसा लग रहा है धूप, पता है हम बहुत ऊंची हाइट में आ चुके हैं ना भाई, बहुत ऊंचे आ चुके हैं हम लोग, बहुत ऊंचे हाइट में, इसी वजह से धूप इतना पड़ रहा है, मत पूछो भाई मत पूछो। चलो फिर नीचे चलते हैं। तो बताना मेरे को गाइस कैसा लगा, मतलब आप लोग को ये जो जगह है, ठीक है, मेरे को तो भाई बहुत ओपी लगा, मतलब जन्नत जैसा महसूस हो रहा है मेरे को, ठीक है, कसम से दूर से देखने के लिए, मतलब जो हाइट से देखने के लिए मज़ा है ना वो और किसी में भी नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाइट से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, देखो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, ठीक है। सो यस गाइस आज का ये ब्लॉग यही था, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा गाइस आज के ब्लॉग में, ये जगह कैसा लगा भाई, मेरे को तो मतलब बहुत ओपी लगा जगह, ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये जगह मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस आप अगर आप लोग ऐसा ही जगह और देखना चाहते हो आसाम के, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जगह और देखना चाहते हो तो मेरे को जरूर से नीचे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है, मैं आप लोगों को आसाम के हर एक जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, मतलब बहुत सारे जगह है गाइस आसाम के, बहुत मस्त मस्त जगह है, सारा दिखा दूंगा, बस आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना हर एक बंदा, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है गाइस, लाइक एक लाइक कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को कहीं पे दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ, एंड हाँ बता के जाना ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।